दोस्तों फाइनली टेक की दुनिया में जिस दिन का सब लोग इंतजार कर रहे थे फाइनली वो दिन आ गया है। मतलब जो लोग आईफोन 14 का इंतजार कर रहे थे तो इंतजार खत्म हुआ गाइस, क्योंकि एप्पल ने अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च इवेंट है उसकी डेट फिक्स कर दी है जो कि 7 सितंबर 2022 है। बात करें आईफोन 14 के फीचर्स की तो आईफोन 14 के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कंफर्म हो गया है एंड मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आईफोन 14 के चार मॉडल्स आएंगे, आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। वैसे कुछ कुछ मिसिंग सा लग रहा है, हाँ आईफोन 13 मिनी। वैसे मिनी मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है इस बार। काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें हर बार आईफोन में, तो इस बार दो बड़े चेंजेस करने जा रही है एप्पल कंपनी की है 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड नॉचलेस डिस्प्ले। लेकिन ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए है, नॉन प्रो मॉडल्स के लिए नहीं। बाकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो डिस्प्ले साइज मैक्स मॉडल में 6.7 इंच की डिस्प्ले आएगी जो कि मैक्स और प्रो मैक्स में, एंड 6.1 इंच की डिस्प्ले बाकी दोनों नॉन मैक्स मॉडल में आएगी। और इसके अलावा कैमरा बम्प थोड़ा सा मोटा देखने को मिल सकता है हमको। वैसे देखा जाए तो आईफोन 14 और 14 मैक्स को कंपनी फिर से आईफोन 13 चिप का रही है, लाइक इसमें कुछ भी चेंजेस तो किया नहीं है क्योंकि वही पुरानी A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी और बाकी प्रो मॉडल्स में आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिल सकती है। और एक बहुत बड़ा चेंजेस करने वाली है जो कि है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि प्रो मॉडल्स के लिए है लेकिन नॉन प्रो मॉडल्स में भी होना चाहिए, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, लाइक एंड्रॉयड में तो सदियों से चला आ रहा है, एप्पल अब दे रही है इसमें। काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से कि लाइक हमारी दूर से ही नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। और इससे भी बड़ा एक चेंजेस और है जिसमें कि हमको मिलेगा 8K रिकॉर्डिंग वीडियो सपोर्ट जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव फीचर है हमारे लिए। वैसे इसके साथ 2TB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल सकता है हमें जो कि काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि 8K सपोर्ट इतना भारी भरकम वीडियो हो जाएंगी उसकी तो 2TB में ही आएंगी, लेकिन 2TB इतनी ज़्यादा स्टोरेज है कि नॉर्मल से लैपटॉप में भी नहीं आती। वैसे इस बार एक नया कलर भी आ रहा है इसमें जो कि है पर्पल कलर, आई थिंक लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा ये। फाइनली प्राइस की बात करी जाए तो गाइस आईफोन 14 का प्राइस जो आईफोन 13 मिनी था उसके बराबर देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि 70,000 में लगभग हमें बड़ा फ़ोन देखने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। एंड आईफोन 14 मैक्स की बात करें तो वो लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच में हमको मिल सकता है, क्योंकि प्रो मॉडल्स तो है क्योंकि 1 लाख से ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। 14 प्रो 1 लाख के लगभग मिल सकता है एंड 14 प्रो मैक्स वो लगभग 120-130 के लगभग देखने को मिल सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।